एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट थ्री ए मोटर बोट इज़ रेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ एट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन द रीज़न इज टेन किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ सिक्सटी डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ फाइंड द रिजल्टेंट बलोसिटी ऑफ द बोट अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि बोट है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रन कर रही है तो हमें मालूम है ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन होता है विथ द स्पीड ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन द रीजन इस टेन किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ अब इस ईस्ट ऑफ साउथ को हम ध्यान से देखते हैं पहले मैं डायरेक्शन कॉर्डिनेट्स को कंप्लीट कर लेता हूं दिस अवर नॉर्थ सो दिस विल भी आवर साउथ एंड दिस इज ईस्ट लेफ्ट टू राइट ईस्ट राइट टू लेफ्ट अब हमें एग्जामिनर ने क्या कहा कि मेरी एक बोट है जो रन कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में विद ट्वेंटी फाइव किलोमीटर वी सो लेट ये आ गई मेरी बोट जो रन कर रही है विद द वॉस्टी ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर लेट से इसे मैं नाम ले लेता हूँ विलॉसटी ऑफ बोट को वी बी से इसे मैं डिनोट कर देता हूँ एंड द वाटर करंट इन द रीज़न इज टेन किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ सिक्सटी डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ अब यहाँ पे हम ये कंसेप्ट समझेंगे इसका बेसिक समझेंगे ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है सो so, पहले ये रहा मेरी ईस्ट डायरेक्शन ये रही मेरी साउथ डायरेक्शन अब ईस्ट ऑफ साउथ का क्या मतलब है फर्स्ट हम उसको देखते हैं सो so, लेट आपको समझाने के लिए सारे बेसिक्स सो so, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ईस्ट ऑफ नॉर्थ में क्या फर्क है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट में क्या डिफरेंस है एंड मैनी मोर और बाकी में भी सो so स्टार्ट करते हैं देखिए अगर मैं नॉर्थ एक्सिस से मूव करूंगा टूवर्ड ईस्ट तो उसे मैं कहूंगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ठीक है नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं तो उसे मैं कहूंगा क्या उल्टा ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहूंगा जैसे अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ईस्ट ऑफ साउथ तो मुझे ये एंगल दिया हुआ है सो लेट विल बी आवर करंट वाटर करंट द डायरेक्शन तो मुझे ये एंगल दी हुई है इसने 60 डिग्री ठीक है विद वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर सो लेट वेलोसिटी ऑफ़ वाटर मैं ले लेता हूं, 10 किलोमीटर पर आवर यहां पे हमने पूरे क्वेश्चन को डायग्राम की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर लिया है अब हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की सो so, यहां पे मैं क्या यूज करूंगा पैरोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रिशन को तो इसके पैरलर ये साइड आ जाएगी क्योंकि पैरलोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरलर होती हैं so, सो दिस इज माई पैरलर साइड एंड दिस बिल्कुल दिस सो यहां पे मेरे पास एक पैरलोग्राम कंप्लीट हो गया है तो मुझे मालूम है जो मेरा पैरलोग्राम का रिजल्टेंट है रिजल्टेंट लेट इसे मैं कैप कर देता हूँ कैपिटल आर से जो मेरा रिजल्टेंट है अब ये बताएगा कि मेरी बोट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू माय बोट स्पीड विद डायरेक्शन एंड माय वाटर करंट स्पीड विद डायरेक्शन तो बोट इस डायरेक्शन में मेरी मूव करेगी अब क्वेश्चन में क्या गया, क्या गया फाइंड द रिजल्टेंट वॉसिटी ऑफ बोट तो इसके लिए रिजल्टेंट वालासिटी के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए मुझे दोनों ही चीजें निकालनी पड़ेंगी रिजल्टेंट विलासिटी के लिए तो हमें मालूम है रिजल्टेंट ऑफ विलॉफ्टी इज गिवन बाई कोसाइन ला सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये क्या होता है मेरे पास जो मेरे पास दोनों वैक्टर दिए हुए हैं अंडर रूट में उनका स्केयर प्लस टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों वैक्टर्स का इन टू कॉस ठीठा दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ला ऑफ कोसाइंस मुझे वी बी की भी मालूम मालूम है ट्वेंटी फाइव किलोमीटर वी सी की भी वैल्यू मालूम है टेन किलोमीटर पर आवर सो अब मेरे पास रह के गए कॉस थीठा अब वाट इज थीठा ठीठा क्या होता है कि मेरा एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स जो मेरा एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स होता है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीठा से सो so, अब मुझे ठीठा फाइंड करना है तो हम जोमेट्री को अगर ध्यान से देखें तो मैं ठीठा कैसे फाइंड कर सकता हूँ ठीठा फाइंड करने के लिए मेरे पास आपको मालूम है चार कोऑर्डिनेट आ रहे हैं सो so, ये मुझे मालूम है 90 का कोऑर्डिनेट होता है ये भी 90 का कोऑर्डिनेट होगा और ये भी 90 का कोऑर्डिनेट और ये भी 90 का कोऑर्डिनेट होगा सो so, एक वेक्टर तो मेरा इस डायरेक्शन में था नॉर्थ में सो so, 90 तो मेरा आएगा ही आएगा एक था मेरी वाटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दो वेक्टर। तो ये मुझे दिया था 60। सो so, अब इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ अगर मैं तो ये मेरा टोटल नाइन्टी था तो सिक्सटी इसमें से मैं अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा थर्टी कि दिस थिंग कम्स आउट तो टू बी माई थर्टी डिग्री एंड हमें ये तो मालूम ही है ये मेरे पास कितना है नाइन्टी का कोऑर्डिनेट सो नाइन्टी प्लस थर्टी मेरे पास कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी नाइन्टी प्लस थर्टी मेरे पास कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी सो माई थीटा कम्स आउट टू बी वन ट्वेंटी डिग्री सो अब मुझे सभी की वैल्यू मालूम चल गई है सो so, अब मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ आर इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ़ बोट मेरे पास कितनी ट्वेंटी फाइव का स्केयर प्लस वाटर करंट टेन सो टेन स्केयर प्लस टू इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन इंटू कॉस वन ट्वेंटी डिग्री सो अब मुझे सॉल्व करना है कॉस वन ट्वेंटी अब कॉस वन ट्वेंटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमें तो जब तक टेंथ में स्टडी की है जीरो डिग्री की थर्टी डिग्री की फोर्टी फाइव की सिक्सटी की नाइन्टी की उससे ज़्यादा वैल्यूज़ हमें याद नहीं है तो हम उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके कॉस वन ट्वेंटी की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ पे सो so, अब यहाँ पे मैं रूल यूज़ कर रहा हूँ लाइक like हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल में से कॉर्डिनेट्स रू बना के यहाँ देखेंगे लाइक फर्स्ट कॉर्डिनेट सेकेंड कोआर्डिनेट थर्ड कोआर्डिनेट एंड फोर्थ कोआर्डिनेट इसकी वैल्यू कहाँ से लाई करती है जीरो से नाइन्टी के बिचवीन फर्स्ट कॉर्डिनेट की सो नाइन्टी टू वन एटी टू सेवेंटी टू थ्री सिक्सटी तक वैल्यू लाई करती है फोर्थ क्वारडिनेट की यहाँ पे हम एक सेंगे उसे लिख लेते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो आप इसे ऐसे भी यहाँ रख सकते हैं कि आपने एंटी को जाना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एंड ऐट शुगर टू कॉफ़ी आप जैसे भी इसे याद करना चाहें कर सकते हैं सो so, इस कॉर्डिनेट में जीरो से नाइन्टी डिग्री में कॉर्डिनेट में मेरे पास साइन कॉस टैन और उसके रिवर्सिबल्स भी सारे ही पॉजिटिव होंगे सेकंड कॉर्डिनेट में मेरे पास साइन पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा रिवर्स क्या होता है कोसिकेंड कोसिकंड पॉजिटिव होगा इसमें मेरे पास टैन पॉजिटिव होगा और कॉस्ट पॉजिटिव होगा इस कॉर्डिनेट में मेरे पास कॉस और सेकंड पॉजिटिव होंगे अगर आप देखें मेरी वर्टिकल एक्सिस में मेरे पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं नाइन्टी डिग्री एंड टू सेवेंटी डिग्री अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा तो मेरी जो टिग्नोमेट्री रेशो है वो चेंज हो जाएगी ठीक है जैसे साइन कॉस में कॉस साइन में टेन कॉट में कॉट टेन में जब मेरे पास वर्टिकल एक्सिस पे देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या है वन एट्टी एंड थ्री सिक्सटी तो यहाँ पे मेरे पास नो चेंज आएगा मतलब साइन साइन में ही रहेगा कॉस कॉस में ही रहेगा सो so, जिसकी एग्जाम्पल करेंगे आप अच्छी तरह समझ आएँगे सो so, यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस 120, ट्वेंटी सो कॉस 120, ट्वेंटी so, सो देखिए अब मैं कॉस 120 को इस तरह भी लिख सकता हूँ कॉस यहाँ पे मैंने चूज कर लिया 180, एट्टी वन एट्टी माइनस सिक्सटी तो आप देख सकते हैं यहाँ के लिए दिस साइड और दिस साइड ये इक्वल है क्योंकि इनको अगर आप सप्लेक्ट करोगे तो वन ही बनेगा सो so, अब मैंने 120 को इस फॉर्म में लिख लिया कॉस वन एट्टी माइनस सिक्सटी अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे हमारा एंगल कितना यूज कर रहे हैं हम वन एट्टी और थ्री सिक्सटी तो मेरा कॉस चेंज नहीं होगा कॉस कॉस ही रहेगा अकॉर्डिंग टू वन एट्टी अब साइन देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सो वन एट्टी माइनस सिक्सटी डिग्री मेरा किस कोआर्डिनेट में लाई करेगा ये रहा मेरा वन एट्टी माइनस सिक्सटी तो ये मेरा लाई करेगा कोआर्डिनेट सेकेंड में यहाँ पे मेरे पास साइन पॉजिटिव है और कुछ पॉजिटिव है तो कॉस यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव होगा तो इसके अकॉर्डिंग में कॉफ देखूँ कॉफ्ट ने मुझे वैल्यू दे दी नेगेटिव साइन की एंड 180 एटी के कारण मेरा कॉस्ट चेंज नहीं होगा तो ये कॉस कॉस में ही रहेगा एंड मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस 60 डिग्री अब कॉस 60 की वैल्यू हमें मालूम है 1 बाय टू सो नेगेटिव साइन ओवर 1 बाय टू तो ये मेरा कॉस्ट 120 है इसकी मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाय टू तो इसे हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं So, R is equal to 25, 25 is the square, 625, 10 square, 100 plus 2 into 25 into 10 into minus 1 by 2. So, 2 say 2 cancel, so minus, minus 250. So, R is equal to 625 plus 100 minus 250. R कम्स आउट टू बी अब इसे प्लस माइनस करें तो मेरे पास आ रहा आ जाएगा फोर सेवेंटी फाइव अब इसका हमें अंडर रूट सॉल्व करना है या आप कह सकते हैं इसके रूट सॉल्व करना है सो so, हमें मालूम है ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी यहाँ पे हम हिट ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे ट्वेंटी एंड ट्वेंटी मेरे पास फोर हंड्रेड देता है तो मुझे ट्वेंटी से ऊपर वैल्यू चाहिए होगी सो so, अगर मैं यहाँ पे ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी टू करके देखूँ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू करूँ तो मेरे पास फोर एटी फोर आ रहा है तो यहाँ पर अगर मैं चूज़ करूँ कि अब ये इससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो इससे थोड़ी सी वैल्यू मैं कम कर लेता हूँ ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू ट्वेंटी वन पॉइंट एट अगर इनको मैं अब मल्टीप्लाई करके देखूँ तो मेरे पास सारा फोर सेवेंटी फाइव पॉइंट टू फोर तो बिल्कुल इसके क्लोज आ चुका है तो मैं इस वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ ट्वेंटी वन पॉइंट एट को क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब ट्वेंटी वन पॉइंट एट तो ये रिजल्टेंट था किसका वेलोसिटी का सो किलोमीटर पर आर जो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 21.8 किलोमीटर पर आर आ चुकी है सो so, अब मुझे फ़ाइंड क्या करना है डायरेक्शंस सो डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लॉ ऑफ साइंस मैं लास ऑफ साइंस इक्वेशन को यूज़ करूँगा तो मुझे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस इक्वेशन यूज़ करूँ तो मेरे आर ओवर साइन थीटा ठीक है आर ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन साइन फाइव टू वी डब्ल्यू वलोसिटी ऑफ वाटर वाली ओवर साइन फाइव सो दिस एंगल हम जो एंगल मेरे पास बना है वी बी और रिजल्टन में इसको हम नाम ले लेते हैं लेट फाइव तो ये मेरे पास आ गया एंगल फाइव अब अपने लास्ट और साइन को याद कैसे रखना है कि रिजल्टेंट ओवर साइन थीठा एंड जो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये वेक्टर इसके ऑपोजिट एंगल मुझे क्या मिल रहा है फाइव रिजल्टेंट के ऑपोजिट साइड तो फाइ साइन ओवर में साइन फाइव तो अब मुझे फाइंड करने को क्या क्या है डायरेक्शन ऑफ बोट जब हमने बोट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो उसके साथ ही मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट के साथ ही हम इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं मीन्स हमें फाइंड क्या करना है फाइव माई फाइव विल बी साइन फाइव कम्स आउट टू बी वी डब्ल्यू इन साइन थीटा अपॉन आर जो है हमारा रिजल्टेंट अब यहाँ पे हम वैल्यू सब कर लेते हैं क्यों थीटा हमने पहले निकाल लिया था हमारे पास कितना आया था अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री 120 डिग्री सो साइन फाइव इज इक्वल टू ये मेरे पास कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर और साइन 120 ट्वेंटी अपॉन आर आर हमारा कितना आया ट्वेंटी वन पॉइंट एट सो सेम वे से जैसे हमने पहले फ़ाइंड किया था कि कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए अब मैं साइन 120 फाइंड करूंगा साइन 120 फाइंड तो सेम साइन 120 को भी मैं लिख सकता हूं साइन 180 एटी माइनस सिक्सटी सो अब देखिए मैं वन है तो साइन तो साइन में रह जाएगा अब वन एट्टी मेरे किस कॉर्डिनेट में कर रहा है सेकंड क्वार्टर में सेकंड क्वारन में मेरे पास साइन क्या आता है पॉजिटिव तो ये मेरा आ जाएगा पॉजिटिव सो यहाँ पे 180 है तो साइन तो चेंज नहीं होगा साइन साइन में ही रह गया इन अब मेरे पास बच गया 60 अब साइन 60 की वैल्यू मेरी पालम कितनी होती है सो so, मेरा साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई बाय टू सो हम इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं सो माई साइन फाइव कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू टेन इंटू अंडरूड थ्री ओवर टू थ्री बाय टू की वैल्यू इंटू 21.8। अब अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास वैल्यू आती है 0.397। सो so, मेरा साइन फाइव की वैल्यू कितनी आ गई 0.397 अगर आपको साइन का टेबल नहीं गिवन तो आप आंसर में डायरेक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.397। ठीक है जी फिर आपका ये डायरेक्शन आंसर आ जाएगा अगर आपको टेबल गिवन है साइन का तो इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिग्रीज में हम वो देखते हैं दिस इज़ माई टेबल ऑफ साइंस मेरे पास साइन साइन फाइव की वैल्यू कितनी निकली है जीरो पॉइंट थ्री नाइन सेवन सो यहाँ पर अगर मैच करूँ तो मेरे पास पॉइंट थ्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सो ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन सेवन सो मैं थोड़ा सा इसे लेके जाता हूँ नीचे तो so, ट्वेंटी थ्री डिग्री पे मुझे वैल्यू मिल रही है ट्वेंटी थ्री डिग्री पे आप यहाँ चेक कर सकते हैं इज इक्वल टू थ्री नाइन जीरो सेवन तो हम यहाँ से रफली कह सकते हैं कि माई साइन फाइ कम्स आउट टू बी रफली अप्रोक्सीमेट साइन ट्वेंटी थ्री डिग्री के आसपास सो फाइ कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी थ्री डिग्री मेरी डायरेक्शन कितनी आ गई ट्वेंटी थ्री डिग्री एक आंसर दिस वन और एक हमने रिजल्टेंट निकाल लिया था सो दिस विल बी आवर आंसर्स